असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे शुरू। गुवाहाटी में उत्तरी गुवाहाटी के बीच उपलब्ध होगी ये सेवा। अब नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित नहीं होगी लोगों की आवाजाही। दिवंगत राजनेता और एनडीए सरकार में कई मंत्री पद संभाल चुके स्वर्गीय अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा पिछले साल अपने प्रिय मित्र अरुण जेटली को खो दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में कहा, देश की 50% आबादी को राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए बिना नहीं की जा सकती प्रगति। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 6,40,000 से अधिक कार्य दिवस किए सृजित। रेल मंत्रालय का कहना, 12,276 श्रमिकों को मिला अभियान का लाभ। फिल्म जगत में फिल्म और टीवी कार्यक्रमों का निर्माण फिर से शुरू। फिल्म जगत ने फैसले का किया स्वागत। निदेशक सुभाष गई ने कहा, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम देश में मनोरंजन की खुशहाली लाएंगे। वंदे भारत उड़ानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। वंदे भारत योजना के तहत विदेशों में फंसे वापसी के इच्छुक भारतीयों के लिए पहले की तरह पंजीकरण होगा अनिवार्य। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 75% से अधिक। कोरोना संक्रमित लोगों की तुलना 3 गुना अधिक मरीज हो रहे स्वस्थ। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले 2,35,00,000 के पार। 8,12,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन की तेल रिफाइनरी की $10 अरब की परियोजना को किया स्थगित। बाजार के अनिश्चित माहौल को देखते हुए लिया गया फैसला। अमेरिका में प्लाज्मा थेरेपी को दी मंजूरी। राष्ट्रपति ट्रंप ने उपचार के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग कर मृत्यु दर को 35% कम करने को बताया ऐतिहासिक। बायर्न म्यूनिख ने छठी बार किया चैंपियंस लीग के खिताब पर कब्जा। फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से दी मात। प्रशंसकों में खुशी की लहर।